मोहम्मद वसीम अली खोकर, ये किसने रखा था नाम? ये पब्लिक ने। टिड्डे से तो हो तुम्हारी उम्र है लड़कियां पसंद करने की। तुझे गल ओली करो जेडी करण वाली है कि तुझे बताई जा रहे हो। लड़कियां मारे हाथ में बहुत है, 10-12 है लड़की। ऊपर क्या देख रहे हो? कह रहे कितनी प्यारी लड़की के साथ बात कर रहा लड़का। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करने को दिल नहीं करता, लड़कियां देख कर दिल करता। कुछ शेयर करो हमारे साथ। बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें और नई बात देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट मेंसा। तो जी नाज़रीन, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेकर आई हूँ कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। तो आइए लोगों से जानते हैं, क्या नाम है? मामा वसीम अली खोकर। मोहम्मद वसीम अली खोकर जी, ये किसने रखा था नाम? ये पब्लिक ने। पब्लिक ने? इतने वायरल हो कि पब्लिक ने रख दिया तुम्हारा नाम? क्यों वायरल हो? वैसे मेरे तो भाई वायरल होने का। अच्छा, मैंने देखा तुम एंकर्स को बड़ा प्रपोज कर रहे हो, तो क्यों प्रपोज करते हो? ऐसे ही शो कैम इतना आज क्यों इतना शर्मा रहे हो भाई? देखे बच्चे सारे वो देखी ना सो यार बच्चों, वो तुम वायरल ना इसलिए तुम्हें लोग देखते हैं, वीडियो देख देख के हमें शौक पैदा करें ना हम भी जैसा वायरल हो जाए। ये पिछले दिन बनाई है, फॉलोवर आ रहे हैं, उन्होंने फेंकी है। कितने फॉलोवर्स आए हैं तुम्हारे? 4000 के भी आ गए, 3-6 के हैं। 3-6 के तुम्हारे आ गए फॉलोवर्ड? ऐसे ही है, मैंने देखी नहीं है, मुझे लोग दिखाते हैं यार ये तुम क्या करते हो। तुम्हारा चैनल ही तुम्हें लोग दिखाते हैं, ये देखो मोहम्मद वसीम अली खोकर। हाँ मोहम्मद वसीम अली खोकर, ये तुम क्या कर रहे हो? आपके जैसे की लड़की थी उसने किया, बड़े बड़े टोपस से पहने हुए थे। कैसी लगी वो तुम्हें लड़की? वो वाला कैमरा मैन है वो ही था, उसने बनाई है। उसने बुलाई है, कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? वो लगी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? क्यों पसंद आई तुम्हें? बस लड़की पसंद आ जाती है जी। क्यों? उसका चेहरा बहुत अच्छा था। उसका चेहरा बहुत अच्छा था, तुमने ऐसे क्यों किया? उसका चेहरा बहुत अच्छा था बस। मतलब क्यों इतनी पसंद आती? तुम अभी टिड्डे से तो हो, तुम्हारी उम्र है लड़कियाँ पसंद करने की। लड़कियाँ हमारे हाथ में बहुत हैं। हाथों में रखी हुई है जी? कितनी रखी हुई है हाथों में तुमने? हाथों में बहुत हैं, 10-12 हैं लड़की। ऊपर क्या देख रहे हो? ऊपर बहुत देखे, सारे देख रहे हैं ये बच्चे। मेरे कहे ऊपर भी कोई लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। कह रहे कि इतनी प्यारी लड़की के साथ बात कर रहा लड़का। तुम लड़के तो नहीं हो, तुम बच्चे हो छोटे टिड्डे। कौन कहता है टिड्डे हैं? हमारा नाम चलता है लिंक रोड पर, मोची टाउनशिप चुंगी सारा। ये केड़े केड़े नाम चलते ने? केड़े केड़े नाम चलते ने? नाम चलता है डॉन होना, मामा वसीम अली डॉन। हले मोहम्मद वसीम अली खोकर से मोहम्मद वसीम अली डॉन हो गया। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करने को दिल नहीं करता। क्यों करने को दिल नहीं करता? लड़कियां देखकर दिल करता है। यार लड़कियां देखने को दिल करता तुम्हारा जी? कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल के हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी बेरुखी से सलाम क्यों किया? वैसे ही क्यों? आराम से, मैंने कहा मैं ऊंचा बोलूंगा तो माइक फट जाएगा। क्यों आवाज़ ज़्यादा सुरीली है? नहीं इतनी भी सुरीली नहीं। इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं अब नहीं शर्माता, सीरियस हो गया। क्यों क्या? नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं कह नहीं शर्मा रहा। शर्मा रहा ना? जी शर्मा रहा। कुछ बोल रहा है फिर? सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है, शर्मा रहा है ये? जी शर्मा रहा है। क्यों शर्मा रहा है? ये पता नहीं। तुम दोनों दोस्त हो? जी। कितने पक्के दोस्त हो? बस हैं थोड़े से पक्के। पक्के भी है थोड़े थोड़े। ये क्या लॉजिक है? बस यही लॉजिक सही है, आजकल यही चल रहा है लॉजिक। थोड़ी थोड़ी दोस्ती रखो। तुम इसे कितने पक्के दोस्त? थोड़े से। थोड़े थोड़े दोस्त है पर पक्के दोस्त भी है ना? हाँ ये है। ये वैसे कैसी दोस्ती है कि थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची? पक्की जा रही है, कभी कच्ची हो जाती है कभी पक्की हो जाती है। कच्ची क्यों होती है? बस लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपको पता है। क्यों लड़ते हो भाई तुम? वैसे ही मजाक में। मजाक बंदा सीरियस हो जाता है फिर लड़ाई हो जाती है, फिर कच्ची वो फिर पक्की दोस्ती से कच्ची कच्ची आ जाती है। माजरत करके फिर दोस्ती कर लेते हैं। अच्छी बात है, सॉरी कर देना चाहिए। सॉरी जी। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हो? 8। आप कौन सी क्लास में हो? 8। दोनों एक क्लास में? दोनों एक ही क्लास में हो? नहीं है ना, बचपन के साथी। नहीं बचपन के साथी नहीं है, क्लास के साथी हो। जी मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। आप बताओ। एफ ही आएगा। सोच लो।
एन लगा एन है लगा एन नहीं एफ आता है आप बताओ एफ ही आएगा और क्या आएगा सोच लो इंग्लिश में ए के बाद क्या आता है एक बार क्या बी ए के मैंने पूछा ही नहीं मैंने कल पूछा ई के बाद क्या आता है एफ आता है एफ आता है पक्की बात है एफ आता है पक्की बात है कितनी कौन सी क्लास में थे एट एट में ई के बाद एफ आता है जी इंग्लिश में ई के बाद एफ आता है जी सही है कुछ शेयर करोगे हमारे साथ शेयर कुछ भी नहीं गाना आता है इसको जी से आता है ओला कितना शर्मा रही है कोई गाल नहीं शर्मा की रो इतना वैसे ही अच्छा गाना आता सुना दो गाना भूल गया हूँ तुम्हें आता कुछ आता था भूल तुम्हें आता मुझे नहीं आता अच्छा कुछ शेयर करो हमारे साथ शेयर के बहुत सारा लाइक करें शेयर करें और नई बात देखते रहें डिजिटल पर हमें मेरी प्रमोशन कर रहे हैं आप रिटायर्ड हो जाए क्यों मैं क्यों रिटायर हूँ तुम क्या शेयर करोगे मैं कुछ नहीं मैं बस यही कहूँगा ये चैनल चलता रहे अच्छा वाओ ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं आप आते रहे यहाँ अच्छा चलो ठीक है शुक्रिया फैन हो गए जी फैन हो गए कि फैन हो गए फैन हो गए हैं आपके अच्छा जी शुक्रिया चलो ठीक है थैंक्स क्यूट क्यों हो इतनी शर्मे आ गई है ना इतनी शर्म क्यों आ रही है मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों नहीं पता मुझे हर टाइम शर्म आती है और सर आप इसके अलावा क्या करते हैं बस बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड फ्री टाइम स्पेंड करते हैं बाबा कैसे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं क्या पसंद है बाबा को बाबा के लिए बाबा को गिफ्ट लाते हैं हाँ जी क्या गिफ्ट लाते हैं माना मोल जाती हूँ माना मोल जाती इधर से क्या लेती हो फिर वही घूमती हूँ कौन सी क्लास में हो टू टू में हो अच्छा सर मुझे मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ मुझे बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है एफ पक्का पक्का जी इसमें और क्या है इंग्लिश में ई के बाद एफ आता है ई के बाद आपने ई कहा है हाँ इंग्लिश में हाँ जी आप बताओ आ जाओ ये तो छोटी बच्ची है पोइम आती है आपको पोइम सुना दो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर जी नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम और जो आज का सवाल था कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है तो जनाब इंग्लिश में ई के बाद एन आता है क्योंकि ई एन जी एल आई एस एच मैंने ई के बाद तो एफ पूछा ही नहीं तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपनी मेज़बान मेहनुसा को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़